in another video of the Mastermind Public School online classes, and today's video is about class 12th biology, and we were studying about chapter number 2, that was sexual reproduction in flowering plant, yani ki pushpiya padpon mein lengik janan. Iska aaj main yahan par part 4 video dekh rahe hain. प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया था, जैसे कि सेकंड पार्ट में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, देन थर्ड पार्ट में हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फिस्टल के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, और उसमें जो अपन बोल रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो से एग से जो 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड जो कंडीशन में हमको एम्ब्रियो से मिल रहा है इसके बारे में पढ़ चुके थे. तो नाउ टुडेस वीडियो में हमें देखना है कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं परागण. इसी विधि के द्वारा जो होता है कि हम कह रहे हैं कि मेल गैमेट यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल गैमेट तक पहुंच पाते हैं. तो एक तरह से हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलिनेशन क्या हो जाता है, इट इज द मैकेनिज्म टू अचीव ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो कि कहां से शेड होते हैं, शेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल. तो हमें पता है कि पिस्टल के 3 पार्ट हो जाते हैं. एक आपका हमने बताया था स्टेज लाइक पार्ट था जिसको हमने बोला था स्टिग्मा, फिर ट्यूबुलर पार्ट हो जाता है जो था स्टाइल, और जो बल्जी पार्ट हो जाता है स्वेलअप पार्ट हो जाता है जिसको हमने कहा था ओवरी या अंडाशय, जिसके इनसाइड हमने बोला है ओव्यूल यानी कि बीजांड है, और इसी को हमने माइक्रो मेगा स्पोरेंडिया यानी कि गुरु बीजाणु धानी भी कहा था. फिर कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका ओव्यूल के इनसाइड पे स्ट्रक्चर देखे थे जिसमें हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है आपका एम्ब्रियो सैक, जिसके स्ट्रक्चर में हमने देखा था एम्ब्रियो सैक जो डेवलप्ड अगर हो जाता है तो किस स्टेट में हो जाता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट में, यानी कि अंडाशय के भीतर जो बीजांड है वो बीजांड में हम बात कर रहे थे भ्रूण कोष की, तो एक विकसित भ्रूण कोष 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था में उपस्थित होता है. कब? निषेचन से पहले. तो निषेचन होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक विधि जिसको हम बोल रहे हैं परागण, कि जब तक परागकण पराग कोष से निकल करके स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचेंगे तो वो आगे की प्रक्रिया यानी कि जो निषेचन है फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा. तो परागण यानी कि पॉलिनेशन किस तरह से होता है, क्या होता है, उसी के बारे में हम समझेंगे आज के वीडियो में, और इसके बाद हम देखेंगे कुछ और विधियां जिनमें कि ये परागण से रिलेटेड फैक्ट रहते हैं, और इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो हो जाता है, हमने बात किए थे सेकंड स्टेज आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, और लास्ट वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि पार्ट 5 में हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट. तो लेट्स कंटिन्यू विद द टुडेस वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं परागण. परागण वह प्रक्रिया है कि परागकणों का कहां से पराग कोष से झड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को हमने क्या कहते हैं, परागण कहा जाता है. तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम बोल रहे हैं कि परागकण पराग कोषों से निकलते हैं और निकल के या झड़ करके वो अल्टीमेटली वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, यानी कि इट इज द मैकेनिज्म टू अचीव ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल. तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जब तक पोलन ग्रेन्स पोलन सैक से या एंथर से निकल करके आपके पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप उसको परागण या पॉलिनेशन नहीं कह पा रहे. तो इसके लिए यहाँ पर हमको कुछ टाइप्स देखने पड़ेंगे कि कैसे पॉलिनेशन अलग अलग टाइप से हो सकता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परागण के प्रकार या काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ये टर्मिनोलॉजी आपको बुक में आसानी से मिल जाएगी. तो एक बार पहले बुक में पढ़ लें क्या है, उसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लें, इसके बाद अपन देखते हैं. सबसे पहला टाइप है आपका ऑटोगैमी, सेकेंडली हो जाता है जेटिनोगैमी, और लास्टली हो जाता है आपका ज़िनोगैमी, हिंदी में कहें तो स्वयुग्मन, फिर सजात पुष्पी परागण, और लास्ट में परनिषेचन. तो ये मुख्य 3 प्रकार के मेनली 3 टाइप्स का आपका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन. इन तीनों टाइप्स के हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में जो आपके बुक में गिवन है, और इसके बाद हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कि ये जो प्रोसेस है उसको कराने के लिए क्या क्या एजेंट्स या फैक्टर या रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी बात करेंगे. लेकिन पहले हम देख लेते हैं इनके ये प्रकारों के बारे में. नाउ फर्स्ट टाइप जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉलिनेशन का या परागण का हो जाता है ऑटोगैमी, या हिंदी में कहते हैं स्वयुग्मन.
तो यहाँ पर जो आपका नेम सजेस्ट कर रहा है कि ऑटो यानी कि सेल्फ, तो होता ये है, और स्व मतलब यानी स्वयं का। तो हिंदी में बात करें तो एक ही पुष्प यानी उसी पुष्प के पराग कोष से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण, यानी कि जो परागण है, पोलन ग्रेन्स है, परागणों का एक ही पुष्प के पराग कोष से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या हो जाता है, स्व युग्मक। इंग्लिश में कहें तो इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन अचीव विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें कि दोनों ऑर्गन अवेलेबल हो, यानी कि उसमें स्टेमन भी होना चाहिए और पिस्टल भी एक ही फ्लावर में होना चाहिए। तो इस तरह के फ्लावर हो जाते हैं आपके बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प, यानी एक ही फ्लावर में आपके स्टेमन भी अवेलेबल होते हैं और उसी फ्लावर में पिस्टल भी अवेलेबल हो जाता है। सो एक ही पुष्प में पराग कोष से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या हो जाता है, स्वयुग्मन। यानी कि इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन अचीव विद इन द सेम फ्लावर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जैसे अपन फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि नॉर्मली फ्लावर में क्या है, सेंटर में आपके रहता है पिस्टिल और उसके आजू बाजू जो उसको गोन सराउंड किए रहते हैं, घेरे हुए रहते हैं, ये हो जाते हैं स्टेमन। तो यहाँ पर स्टेमन में जो एंथर है वहां पर आपके क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं और उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि कैसा केस हो जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो द्विलिंगी पुष्पों में पराग कणों का अपने ही पराग कोष से स्वयं के स्त्री केसर के पराग वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण हो जाता है आपका स्वयुग्मन। कुछ इस विधि में कुछ पादपों यानी जो प्लांट्स में दो प्रकार के पुष्प यानी कि फ्लावर हो जाते हैं। एक ऐसे पुष्प होते हैं जो कि जिनमें कि फ्लावर ओपन तो होता है यानी पुष्प खिलता तो है, तो उसमें ये है कि जो स्त्री केसर है और जो पुंग केसर है इनके जो अपन कहें परिपक्व होने का समय एक समान होना चाहिए, तभी जाकर के उनमें क्या हो पाएगा, स्वयुग्मन। तो ऐसे पुष्पों को जो ओपन होते हैं और जिनमें स्त्री केसर और पुंग केसर के परिपक्वन का जो काल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो सेम होता है, ऐसे पुष्प कहलाते हैं उन्मी परागणी। यानी कि इनमें क्या होता है, फ्लावर ओपन होता है और ओपन फ्लावर में जो आपका पिस्टिल है और आपका जो स्टेमन है ये दोनों एक ही टाइम पर डेवलप होते हैं ताकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो पाए, यानी कि क्या हो पाए, स्वयुग्मन हो पाए। तो ऐसे फ्लावर जो ओपन हो रहे हैं और जिनमें दोनों का डेवलपमेंट एक साथ हो जा रहा है उनका नाम हो जाता है उन्मील परागणी पुष्प। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, यानी हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, और क्लोज्ड कंडीशन में क्या होता है, जो स्टेमन है और जो पिस्टिल है वो पास पास हो जाते हैं। तो इनमें आगे जाकर के अपन देख सकते हैं डेफिनेटली क्या हो जाएगा, स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगेमी जरूर होगी। तो इस तरह के फ्लावर यानी पुष्प को जिसमें कि ये कभी ओपन नहीं होते, खिलते नहीं है, अनमूली अनुन्मिली परागणी पुष्प, यानी कि इनमें क्या होता है, फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता, क्लोज रहता है, इस कारण जो उसके स्त्री केसर और पुंग केसर है वो पास पास रहते हैं और उसमें क्या हो जाता है, स्वयुग्मन अपने आप हो जाता है। और इस केस में अपन देखें कि पुष्प यानी फूल ओपन हो रहा है, खिल रहा है, तो यहाँ पर परागण के लिए बाह्य कारक जैसे कि कीट या फिर वायु या जल की आवश्यकता हो जाती है। इंग्लिश में कहें तो यहाँ पर टाइप ऑफ फ्लावर कैसे हो जाते हैं कि कुछ प्लांट में फ्लावर ऐसे होते हैं दे वोंट ओपन, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं दे ओपन बट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन एंड डेवलपमेंट ऑफ पिस्टिल इज सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि दोनों का जो मैच्योरेशन होता है वो एक टाइम पर होता है, इसलिए उनमें क्या पॉसिबल हो पाता है आपका, ऑटोगैमी। तो ऐसे फ्लावर जो ओपन हो रहे हैं और जिनमें पिस्टिल और स्टेमन दोनों का जो मैच्योरेशन है वो सिंक्रोनाइज है, ऐसे फ्लावर हो जाते हैं जैस्मोगेमस फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जो कि कभी ओपन नहीं होते तो उनमें डेफिनेटली क्या हो जाता है आपका, ऑटोगैमी। तो ऐसे फ्लावर हो जाते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो बेस्ड ऑन द सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वयुग्मन में दो टाइप के फ्लावर हो जाते हैं, एक जो कभी ओपन नहीं हो रहे हैं तो जैस्मोगेमस या कैस्मोगेमस, और दूसरे जो ओपन, तो एक जो ओपन हो रहे हैं और जिनमें डेवलपमेंट सेम टाइम पर हो रहा है, कैस्मोगेमस, हिंदी में कहें तो उन्मील परागणी पुष्प। और कुछ प्लांट में फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि कभी ओपन नहीं होते तो वो उनको हम बोल रहे हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि अनुन्मील परागणी पुष्प। तो ये दो टाइप के फ्लावर हो जाते हैं जिसमें अपन कहाँ कौन सी विधि देख रहे हैं, ऑटोगैमी यानी कि स्वयुग्मन। इसके बाद अपन देखते हैं सजात पुष्पी परागण यानी कि जेटिनोगैमी।
नाउ सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज अ जिटिनोगैमी और हिंदी में कहें तो सजात पुष्पी परागण। इस अवस्था में या इस कंडीशन में अपन क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि होता यह है इस कंडीशन में अपन बात करें सो जेटिनोगेमी में क्या फंक्शन हो रहा है कि प्लांट एक ही होता है, एक ही प्लांट पर टू टाइप्स के फ्लावर आपके प्रोड्यूस होते हैं, एक फ्लावर आपका मेल फ्लावर हो जाता है और दूसरा फ्लावर हो जाता है फीमेल फ्लावर। इस फ्लावर में अपन जैसे बात करें तो केवल पिस्टिल हो जाती है अपार्ट फ्रॉम द अदर ऑर्गन, जैसे कि अपन ने कहा था कैलिक्स है, कोरोला है और खाली पिस्टिल है सेंटर में, और दूसरा फ्लावर बनता है सेम प्लांट में जिसमें भी कैलिक्स है, कोरोला है और उसके अलावा हम बोलेंगे खाली स्टेमन्स हैं। तो ऐसा प्लांट जिसमें कि मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर है लेकिन दोनों सेपरेट हैं यानी कि अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है इस फ्लावर के पोलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं, यानी कि प्लांट चेंज नहीं हो रहा है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन या इंटरेक्शन हो रहा है तो ऐसा जो पॉलिनेशन है वो हो जाता है आपका जेटिनोगैमी। हिंदी में कहें तो सजात पुष्पी परागण। क्या हो रहा है, एक ही पादप या प्लांट के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या हो जाता है सजात पुष्पी परागण, यानी कि पादप एक ही है उसमें एक आपका नर पुष्प हो जाता है दूसरा मादा पुष्प, तो इस नर पुष्प से परागकणों का उसी प्लांट के मादा पुष्प के वर्तिकाग्रों तक जो स्थानांतरण हो जाता है परागकणों का उसी को हम बोल देते हैं सजात पुष्पी परागण। यहाँ पर एक बात ये देखने वाली है कि टेक्निकली कहें या फिर अपन एक तरह से कहें क्रियात्मक रूप से ये क्या है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण है, लेकिन यहाँ पे आप देखें जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर यानी कि आनुवांशिक रूप से एक समान पुष्पों के बीच में क्या होता है परागकणों का स्थानांतरण, लेकिन क्रियात्मक रूप से यानी फंक्शनली ये क्या हो जाता है पर परागण, जेनेटिकली क्या हो जाता है ये स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी की तरह ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो परागण की विधि है उसमें क्या बोल रहे हैं एक ही प्लांट के मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक का जो ट्रांसफर हो रहा है यानी कि एक ही प्लांट या पादप के नर पुष्प से परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण हो जाता है सजात पुष्पी परागण या इंग्लिश में कहते हैं जेटिनोगैमी। ये था आपका परागण यानी पॉलिनेशन का आपका सेकेंड टाइप। नाउ थर्ड टाइप हम देखेंगे जो एक्चुअल में क्या हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन या जिसको अपन बोलते हैं पर निषेचन या फिर जीनोगैमी। नाउ थर्ड टाइप आपका हो जाता है पॉलिनेशन का इट इज कॉल्ड एज अ जीनोगैमी। जीनोगैमी या हिंदी में अपन कह सकते हैं पर निषेचन। तो जीनोगैमी क्या है दिस इज द एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपका मुख्य रूप से क्या है पर निषेचन। तो पर निषेचन से यहाँ ये मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्लांट की स्पीसीज चेंज नहीं होती है भले ही प्लांट चेंज हो जाए, यानी कि दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो होता क्या है कि एक प्लांट के से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जा रहे हैं ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी एक ही जाति के नर पुष्प से उसी जाति के मादा पुष्प तक और वो भी दूसरे प्लांट में यानी दूसरे पादप में स्थानांतरण परागकणों का ये हो जाता है आपका जीनोगैमी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। यहां पर हिंदी में अपन कहें तो भिन्न पादपों के पराग कोशों से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण, यानी कि प्लांट चेंज हो जाएगा आपका पादप अलग अलग होंगे लेकिन स्थानांतरण होगा किसके बीच में पराग कोष से वर्तिका के बीच में, बस अलग अलग पादपों यानी प्लांट का होना चाहिए। तो ये किस तरह से संभव है ये टू टाइप से पॉसिबल हो जाता है। पहला टाइप आपका हो जाता है जिसमें अपन कहेंगे कि प्लांट आपका कैसा हो जाता है बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि एक ही प्लांट पर आपके मेल फ्लावर भी लग रहे हैं और उसी प्लांट पर फीमेल फ्लावर भी लग रहे हैं। तो एक मेथड अपन ने अभी देखी थी सेकंड वाली जिसमें एक ही प्लांट के मेल फ्लावर से उसी प्लांट के फीमेल तक जा रहे हैं, इसको अपन ने बोल दिया था जेटिनोगैमी। लेकिन अगर एक प्लांट के मेल फ्लावर से दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर तक चले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा जीनोगैमी। तो बाइसेक्सुअल प्लांट यानी कि द्विलिंगी पादपों में ये संभव है या फिर
एक लिंगी पादपों में केस है जिनमें की दोनों ही प्लांट ही अलग अलग हो जाती हैं। एक तो क्या केस हो सकता है जिसमें प्लांट अलग अलग है लेकिन दोनों प्लांट में दोनों प्रकार के फ्लावर लगते हैं, यानी मेल भी लगता है फीमेल भी लगता है एक ही प्लांट में, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वो हो जाएगा जीनोगैमी। लेकिन एक ही प्लांट के एक ही दो अलग अलग फ्लावर में हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका क्लिस्टोगैमी। सेकंड टाइप से ये कैसे हो सकता है कि एक आपका फीमेल प्लांट होता है दूसरा मेल प्लांट, यानी दोनों प्लांट ही अलग अलग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन पपाया और मक्का, यानी मेल्स के केस में यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों प्लांट ही अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट में आपके केवल मेल फ्लावर रखते हैं, यहाँ पर आपके परागकण यानी पोलन ग्रेन बनेंगे, और फीमेल प्लांट में केवल फीमेल फ्लावर रखते हैं जहां पर आपके स्टिग्मा स्टाइल और ओवरीज होंगे। तो होता यह है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जा रहा है, दोनों प्लांट ही अलग हैं लेकिन सेम स्पीसीज के हैं, यानी दोनों ही जैसे पपाया के होंगे या दोनों ही मक्का के यानी मेल्स के होंगे। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ अनदर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो ये आपका थर्ड टाइप था पोलिनेशन का जिसको हमने बोला परनिषेचन। तो आनुवांशिक रूप से हम कहें तो यही सही तरीके का क्या हो जाता है परनिषेचन, यानी कि यहाँ पर प्लांट और प्लांट दोनों प्लांट अलग अलग हो जाते हैं, यानी दोनों प्लांट आनुवंशिक रूप से अलग अलग हो जाते हैं, और इसी कंडीशन में क्या होता है प्लांट्स में विभिन्नता यानी कि डिफरेंसेस या फिर डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। आगे हमें इस वीडियो में यह देखना है कि ये पॉलिनेशन यानी परागण की जो प्रक्रिया है इसके लिए कौन कौन से कारक यानी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। Now let's discuss about the agents of pollination, so factors of pollination, यानी कि परागण के कारक या अभिकर्मक, यानी कि वो एजेंट जो कि नॉर्मली पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जिनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है जरूरत है पॉलिनेशन को करने के लिए। सो इनको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाता है आपका बायोटिक एजेंट्स यानी कि जैविक कारक, यानी कि ऐसी लिविंग थिंग्स जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। यूजुअली ये बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे अपन बात करें बीज, सबसे कॉमनली अपन मधुमक्खियों के द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है। मधुमक्खियां नॉर्मली क्या होती है जो नेक्टर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती हैं, और इस दौरान वो अनआइडेंटिफाइडली क्या कर देती हैं फ्लावर को पॉलिनेट कर लेती हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट बीज, फल मक्खियां, फिर बटरफ्लाईज, तितलियां हो जाती हैं, कुछ वास्प होते हैं ततैया टाइप के, फिर इसके अलावा मौत हो जाते हैं बर्ड, इसके अलावा चींटियों के द्वारा भी अपन प्लांट्स जो है पॉलिनेट हो जाते हैं, फिर कुछ प्लांट्स इतने ज़्यादा बड़े फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तो उनके केस में बर्ड्स से भी अपना पॉलिनेशन हो जाता है जैसे कि हमिंग बर्ड। इसके अलावा कुछ बीटल्स यानी कि कीड़े टाइप के जो जीव होते हैं शलभ या कीड़े, इसके अलावा कुछ प्लांट्स में कुतरने वाले जंतु यानी कि रोडेंट्स के द्वारा भी आपका पॉलिनेशन हो जाता है, फिर किसी किसी प्लांट्स में रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जो हो जाते हैं जीव रेप्टाइल्स यानी सरीसृप के द्वारा भी आपका पॉलिनेशन हो जाता है परागण, और कुछ में बंदरों या कपियों के द्वारा यानी कि प्राइमेट्स कैटेगरी के जो एनिमल्स हो जाते हैं उनके द्वारा भी बड़े बड़े प्लांट्स जो बहुत बड़े बड़े साइज के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसी लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित चीजें जिनके द्वारा पॉलिनेशन या परागण हो जाता है वो आपके अजैविक जैविक कारकों में आ जाते हैं, पर दूसरे अजैविक यानी कि एबायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जिनके थ्रू आपका पॉलिनेशन हो जा रहा है, तो टू कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं। पहला हो जाता है वाटर या जल, सबसे सामान्य नॉर्मली जो आपके एक्वाटिक प्लांट होते हैं यानी कि जलीय पौधे इनमें सबसे कॉमन या सबसे सामान्य जो कारक या अभिकर्मक हो जाता है परागण या पॉलिनेशन के लिए वो हो जाता है आपका वाटर। और ऐसे प्लांट जिनमें की जो अपन कहें बहुत हल्के परागकण बनते हैं यानी कि वायु परागण कह देते हैं जिसे एरिमोफिली, तो यहाँ पर वायु यानी विंड और दूसरा जल ये दो अजैविक कारक होते हैं जो कि परागण में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर बात आती है बायोटिक फैक्टर या फिर कीड़ों के द्वारा जो प्लांट या इंसेक्ट के थ्रू जो आपके फ्लावर पॉलिनेट होते हैं परागित होते हैं उनके परागण कैसे होते हैं, एक तो उनमें क्या रहता है आपका नेक्टर होता है यानी मकरंद होता है, फिर उनके फ्लावर बहुत क्या रहते हैं आपके आकर्षक होते हैं यानी कि दूर से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसके अलावा उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि वो इंसेक्ट या फिर जो भी उनको पॉलिनेट कर रहा है उनकी बॉडी से स्टिक हो सके चिपक सके। फिर इसके अलावा जो
अवायवी कारकों, जैसे कि एयर या वाटर से जो पॉलिनेट होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन है, परागण है, वो आपके एक तो साइज में बहुत छोटे होंगे, हल्के होंगे, लाइट वेट होंगे, ताकि पानी में तैर सके या आपके जो वायु या हवा में उड़ सके। फिर और इनमें नॉर्मली क्या रहते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, बाह्य प्रवर्ध होते हैं, ताकि ये उड़ करके फीमेल प्लांट तक जा सके और उसके जो वायु परागित पुष्पों, यानी कि जो एयर से पॉलिनेट होने वाले जो प्लांट होते हैं, उनकी जो फीमेल प्लांट होते हैं, यानी कि मादा पुष्पों की जो वर्तिकाग्र होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, या वर्तिका कहने स्टाइल बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है और हेरी होती है, यानी कि आपकी केश नुमा या गुच्छों में पाई जाती है। जैसे अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल मक्का, यानी मेज के प्लांट में आपने जो देखते हैं, जो आपको बाहर की तरफ निकले हुए ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक्चुअली फ्लावर के क्या रहते हैं, आपके स्टाइल्स और स्टिग्मा रहते हैं, जो कि प्रोजेक्ट होकर के आउटवर्ड्स आ जाते हैं, ताकि वो पॉलिनेशन हो सके। और आपका जो एक पूरा कॉर्न का जो बंच होता है, वो एक फ्लावर ना होकर के बहुत सारे फ्लावर का आपका ग्रुप होता है, तो एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि पुष्पक्रम साथ में एक जगह इकट्ठा होता है। ये हमने देखा है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। नाउ इससे रिलेटेड अपन को एक फैक्टर और पढ़ना होता है, जिसमें अपन आते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यानी हमने ये तो कह दिया कि आपके पोलन ग्रेन फर्टिलाइज पॉलिनेट होकर के आपके स्टिग्मा तक तो आ गए हैं, लेकिन स्टिग्मा पर आने के बाद उनका फेट, यानी कि आगे पोलन ग्रेन परागकणों का भविष्य क्या होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो स्टिग्मा जिस पर वो आए हैं, पहली बात तो वो क्या होने चाहिए, सेम स्पीशीज के होने चाहिए। फिर कुछ केमिकल ऐसे दोनों एजेंट में होते हैं, यानी कि कुछ केमिकल आपके परागकणों पोलन ग्रेन में होते हैं और कुछ केमिकल आपके स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर होते हैं। ये उनको पहचानने में मदद करते हैं कि वो एक ही जाति के फ्लावर या प्लांट से आए हैं या नहीं। और आगे जाकर के इनमें होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट आ जाता है आपके इस प्रोसेस में, आफ्टर द पॉलिनेशन, यानी कि हमने बात करी है पोलन ग्रेन जो है आकर के आपके स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो चुके हैं, तो इस कंडीशन के बाद क्या प्रोसेस होगा, उसको हम बोल देते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि पराग स्त्री से संकर्षण, यानी कि दोनों के बीच में क्या इंटर मिक्सिंग हो रहा है या पराग परस्पर क्या प्रक्रिया हो रही है, उसको हमको यहाँ पर समझना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो पॉलिनेशन है, परागण है, वो ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सेम टाइप के फ्लावर से या फिर सेम स्पीशीज के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स यानी कि परागण आए। तो परागण के पश्चात होता क्या है, कई बार एक ही जाति के परागकण दूसरे जाति के पुष्प तक नहीं जाते हैं, जातियां चेंज भी हो जाती हैं, और जब एक ही जाति के पुष्प के परागण आ जाते हैं तो दूसरी प्रकार की आपका रिलेशन या अभिक्रिया होती है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो तभी पॉसिबल होगा, इंटरेक्शन जब होगा कि अगर सेम स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा तक आते हैं, यानी कि एक ही जाति के पुष्प से परागण उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तभी जाकर के आपके जो पोलन ग्रेन हैं यानी परागण है, वो क्या होंगे, अंकुरित होंगे, जर्मिनेट होंगे और पराग नलिका का निर्माण करेंगे, यानी कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अगर परागण उसी जाति के नहीं होते हैं तो ये परागण जो होते हैं परागकणों को जो वर्तिकाग्र है वो अंकुरित होने से रुकता है, क्योंकि पराग कणों में और वर्तिकाग्र के बीच में क्या होता है, केमिकल्स का इंटरेक्शन होता है, यानी कि रासायनिक अभिकर्मकों का इंटरेक्शन होता है, और वर्तिकाग्र पराग कणों को पहचान पाती है कि वो उसी जाति के हैं या नहीं। आजकल की जो रिसर्च है, वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि पराग कणों यानी कि पोलन ग्रेन और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के बीच में केमिकल्स का इंटरेक्शन होता है, जो उसको पहचानने में हेल्प करता है कि ये पोलन ग्रेन यानी पराग कण उसी स्पीशीज के फ्लावर के हैं या नहीं। तो हमने बात करी कि अगर परागकण उसी जाति के यानी सेम स्पीशीज के होंगे तो क्या हो जाता है, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, यहाँ पर ये आपका जो स्टेज है ये हो जाता है आपका स्टिग्मा, ये आपका क्या करता है, परागकणों यानी कि पोलन ग्रेन्स को पोलन ट्यूब बनाने के लिए क्या करता है, इनहेंस करता है, प्रेरित करता है। और जब ये पोलन ट्यूब बनती है तो ये वर्तिका यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टाइल, और ये ओवरी यानी कि वर्तिका और अंडाशय से होते हुए अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाती है,
ओव्यूल यानी बीजांड के वो क्षेत्र में, उस एरिया में जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पर ये आपकी जो पोलन ट्यूब है डेवलप होती हुई कहाँ पहुंच जाती है, आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यानी कि बीजांड द्वारी क्षेत्र की तरफ। नाउ सबसे पहले सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि जब परागकण बनते हैं और झड़ते हैं यानी कि पोलन ग्रेन जब फॉर्म होता है या फिर डिस्पर्स होता है तो टू टाइप्स की कंडीशन हो जाती है। एक जिसमें कि एक आपका क्या हो जाता है जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा हो जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था जिसमें हो जाते हैं दो मेल गैमेट हो जाते हैं, दो जनरेटिव न्यूक्लियस हो जाते हैं और एक अपना वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है। तो 60% प्लांट में ये वाली कंडीशन थी और 40% प्लांट में अपन ने ये कंडीशन देखी थी। तो होता ये है कि वो पोलन ग्रेन्स, वो परागकण जिसमें दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन हो जाती है, तो जब ये पराग नलिका का निर्माण होता है तो जो एक जनरेटिव न्यूक्लियस है ये विभाग डिवाइड होकर के दो में बढ़ जाता है। यानी टोटली हमारे पास कितने मेल गैमेट होंगे, टू मेल गैमेट और एक आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो 60% प्लांट में ये पहले नहीं बने होते, कब बनते हैं, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनने वाली प्रोसेस में 60% प्लांट में क्या हो जाता है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के दो होता है और वो प्लांट जिनमें पहले से ही ये डिवाइडेड रहता है इनमें ये सीधे सीधे ही पोलन ट्यूब से डेवलप होकर के कहां पहुंच जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड तक। तो ये हो जाती है आपकी स्टेज वन। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सिनर्जिड सेल होती हैं, यहाँ पर हमने ये कंडीशन जब देखी थी फीमेल गैमेटोफाइट की, यानी कि भ्रूण कोष की हम बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो सैक की। कौन सी अवस्था जो हमने देखी थी, सात कोशिकीय और आठ केंद्र की अवस्था में। तो माइक्रोपाइलर एंड यानी कि बीजांड द्वारीय क्षेत्र पर हमने कहा था तीन कोशिकाएं होती हैं, दो तो हो जाती है आपकी सिनर्जिड्स और एक होती है आपकी एग सेल यानी कि अंड कोशिका, और मध्य में रहती है आपकी केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंटर सेल और उसके दो पोलर न्यूक्लिया यानी कि ध्रुवीय केंद्र। तो ये अवस्था हमने ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है। नाउ अब इस अवस्था में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा ये वाले एरिया को मैंने थोड़ा मैग्नीफाई किया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोलन ट्यूब के अंदर आपके मेल गैमेट है, कितने मेल गैमेट है, टू मेल गैमेट। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर या संरचना होती है, आप देख सकते हैं उंगली के जैसा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो यहाँ पर इनको अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इस फिलीफॉर्म एपरेटस या जो उंगली के समान जो प्रोजेक्शंस हैं, इनका फंक्शन क्या हो जाता है कि ये पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका को बीजांड द्वार की तरफ क्या करता है, आने के लिए गाइड करता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलन ट्यूब आपकी ब्रेक होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मेल न्यूक्लियस जो है यहाँ पर भ्रूण कोष के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक। तो एक मेल गैमेट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एग सेल से फ्यूज हो जा रहा है, ये हो जाता है आपका पहला फ्यूजन, ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट हो जाता है, दूसरा नर युग्मक के जाकर के ये पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाता है। यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई और एक नर युग्मक का न्यूक्लियाई, तीनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका सेकेंड फ्यूजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्त बीजियों में, एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है, दो बार क्या हो रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो अपन ने प्रक्रिया देखी पोलन क्रिस्टल इंटरैक्शन, इसमें बाद जो प्रक्रिया अपन देखेंगे वो हो जाती है आपकी फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो यहाँ आप कंडीशन देख रहे हैं कि निषेचन या फ्यूजन ऑफ गैमेट कितनी बार हो रहा है, एक तो यहाँ पर एग सेल और पहले मेल गैमेट के बीच में हो रहा है और दूसरा फ्यूजन आपका पोलर न्यूक्लियाई और दूसरे मेल गैमेट के फॉर्म में हो रहा है। तो टोटली फ्यूजन टू टाइम्स हुआ, फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, दो बार हुआ। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन कह देते हैं। नाउ आगे हमें यही देखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन क्या होता है और उससे बनने वाले स्ट्रक्चर यानी संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अनदर हेडिंग आता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, हिंदी में कहें दोहरा निषेचन यानी द्वि निषेचन। इससे पहले वाले अपने पार्ट में हमने ये देखा कि पोलन ट्यूब आपकी कहाँ तक आ जाती है, माइक्रोपाइलर एंड यानी कि बीजांड द्वारीय क्षेत्र, किसके, बीजांड के।
यहाँ पर आकर के वो दोनों मेल गैमेट को अंदर ब्रूड कोष वाले एरिया, एम्ब्रियो सैक वाले एरिया में रिलीज कर देती हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल। तो यहाँ पर पहले गैमेट जो होता है मेल गैमेट वो आपकी एग सेल की तरफ मूव करता है, फ्यूज विद द न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिंगेमी, और ये हो जाता है आपका पहला निषेचन, जो कि रिजल्ट में क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल जायगोट। यानी कि अपन बात करें एग सेल और पहला मेल गैमेट दोनों फ्यूज होकर के आपके डिप्लॉइड सेल बना देती हैं और ये हो जाते हैं आपका जायगोट, ठीक है। और ऐसे ही अपन क्या देखेंगे, हिंदी में अपन बात करें कि दो नर युग्मकों में से कोई सा भी एक नर युग्मक अंडकोशिका की तरफ आपका बढ़ता है, दोनों के केंद्र फ्यूज होते हैं, संगलित होते हैं, निषेचन की पहली प्रक्रिया संपन्न हो पाती है और द्विगुणित कोशिका युग्मनज जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका पहला निषेचन यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। आगे हम देखेंगे दूसरा फर्टिलाइजेशन कब होता है। नाउ सेकंड जो अपन फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियस। पहले वाले कंडीशन में हमने बात करी थी आपकी जो सेंट्रल सेल होती है, जो बड़ी वाली सेल हो जाती है, केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल, इसके अंदर हमने बात करी थी दो न्यूक्लियस यानी कि टू न्यूक्लियस केंद्रक आपके मौजूद होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक या फिर पोलर न्यूक्लियस। तो दूसरा नर युग्मक यानी मेल गैमेट किसकी तरफ बढ़ता है, आपके पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। तो ऑलरेडी वन और टू दो केंद्रक यानी टू न्यूक्लियस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, एक न्यूक्लियस आपका नर युग्मक का हो जाता है, तो टोटल यहाँ पर तीन न्यूक्लियस यानी कि थ्री न्यूक्लियस आकर के आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर क्या बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रि संलयन हो जाता है। और इस संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे अपन क्या बोल देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूण कोश कोश केंद्र। तो यह आपका प्राथमिक दूसरे फ्यूजन के परिणाम स्वरूप क्या मिल जा रहा है हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, जो कि कैसा हो जाता है ट्रिप्लॉइड यानी कि तीन गुणक यानी इसमें क्रोमोसोम के कितने जोड़े होंगे, तीन जोड़े मौजूद हो जाते हैं। और जो उसकी सेंट्रल कोशिका है मध्य कोशिका है ये क्या बना लगती है प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू यानी प्राथमिक भ्रूण कोश ऊतक बनाने लग जाती है। और आगे जाकर के अपन क्या देखते हैं पहले निषेचन से क्या बना है ये जायगोट यानी कि युग्मनज, ये आगे जाकर के आपका एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाएगा और दूसरे निषेचन से जो आपका क्या बना है प्राथमिक भ्रूण कोश ऊतक प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू ये जाकर के एक्चुअली एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोश बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जायगोट या युग्मनज आपका डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित हो जाता है और आपका जो भ्रूण कोश यानी कि जो एंडोस्पर्म है वो कैसा हो जाता है त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूजन या जो अपन कहेंगे गैमिट्स का मिलना दो बार हो जा रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो मेल गैमिट और एग सेल फ्यूज होता है उसे हम बोल देते हैं सिनगैमी, और दूसरा कहाँ हो रहा है अपना दूसरा मेल गैमिट और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो दोनों को कंबाइनली अपन यहाँ पर बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। आगे अपन देखेंगे कि जायगोट यानी कि युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनाता है और आपका प्राथमिक भ्रूण कोश ऊतक विकसित होकर के आपका भ्रूण कोश यानी कि एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहाँ पर आज अपने इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं जिसमें हमने कहाँ तक देख लिया है आपके डबल फर्टिलाइजेशन तक। इसके बाद अपने जो इवेंट्स आते हैं उनको अपन बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन के पश्चात की घटनाएं, जिसमें क्या होगा एक तो आपका भ्रूण विकसित होगा, ठीक है, तो जायगोट डेवलप होकर के आपका एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, ओव्यूल आपका डेवलप होकर के सीड बन जाएगा और ओवेरी डेवलप होकर के आपका फ्लावर फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट अपन देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज एंड स्टडी वेल।